नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे एक पीएफ खाता धारक है तो पीएफ खाता धारकों के मन में एक बड़ा सवाल हमेशा यहाँ पर रहता है कि वह अपने पीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानकारी जानेंगे कि आप अपने पीएफ का पैसा कब और कितना निकाल सकते हैं, पीएफ का पैसा निकालने के लिए क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर होती है, किस कंडीशन में आप पीएफ का कितना पैसा निकाल सकते हैं। तो आप भी ये सब जानने के इच्छुक हैं तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए और साथ ही ऐसे ही पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं कि यदि आप पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं तो किस तरह से, कितने तरीके से पीएफ के पैसे यहाँ पर निकलते हैं। तो पीएफ से तीन तरीके के पैसे आपके यहाँ पर निकलते हैं। पहला होता है एडवांस पीएफ, जिसे कि आप नौकरी चालू रखते समय, नौकरी करते समय आप यहाँ पर एडवांस के तौर पर अपने पीएफ का पैसा निकालते हैं। दूसरा होता है यहाँ पर पीएफ का फुल पैसा निकालना, यानी कि पीएफ में आपका जितना भी पैसा है वो पूरा पैसा यहाँ पर निकालना। ये पैसे आप यहाँ पर कब निकाल पाएंगे, कितना निकाल पाएंगे, किन नियमों के तहत निकाल पाएंगे, ये भी जानकारी हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तीसरे तरीके का पैसा आपका होता है यहाँ पर पेंशन का पैसा। तो पेंशन का पैसा कब निकाल सकते हैं, क्या उसके नियम हैं और कौन सा फॉर्म कैसे भरना है, ये भी जानकारी आज के इस वीडियो में देखेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं एडवांस के तौर पर पैसा निकालने की। यदि आप एक ऐसे पीएफ खाताधारक है कि आपको यहाँ पर नौकरी चालू रखते समय पीएफ का पैसा निकालना है, किसी तरह की इमरजेंसी आ गई है, तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर एडवांस के तौर पर पीएफ का पैसा मिल सकता है। जैसा कि एक पीएफ पासबुक की कॉपी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस पीएफ पासबुक में ये जो कॉलम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन का देख पा रहे होंगे, इसमें जो भी अमाउंट है इस अमाउंट का एडवांस के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस अमाउंट का आपको 75% तक यहाँ पर जो है एडवांस के तौर पर पैसा मिल जाता है। इसके लिए आपको फॉर्म 31 ऑनलाइन अप्लाई करने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको केवल ईपीएफ में जो पैसा जमा है, इस कॉलम में जो पैसा जमा है, जो राशि आपके यहाँ पर नीचे बताई जा रही है, उसका ही पैसा यहाँ पर जो है मिलता है। पेंशन का पैसा आप नौकरी चालू रखते समय नहीं निकाल पाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर बात करते हैं दूसरे तरीके से पीएफ का पैसा निकालने की, यानी कि आपका फुल पैसा, पूरा पैसा पीएफ का किस तरह से निकल सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जहाँ भी नौकरी कर रहे थे वहाँ की नौकरी आपने जो है छोड़ दी है और ये नौकरी आपने कम से कम 2 महीने की यहाँ पर की है। 2 महीने से कम की यदि आपकी नौकरी है तो आपको पीएफ का पैसा यहाँ पर नहीं मिलता है। 2 महीने से ज़्यादा की नौकरी है तो ही आप पीएफ का पैसा यहाँ पर निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी यदि 6 महीने से कम की आपकी नौकरी है तो इसी स्थिति में पेंशन के कॉलम का पैसा आपको नहीं मिलता है, केवल पीएफ के कॉलम का ही पैसा मिलता है। और 6 महीने से ज़्यादा की नौकरी होने पर ही आप अपने पीएफ का पूरा पैसा यहां पर जो है निकाल पाते हैं। पीएफ का पैसा पूरा निकालने के लिए आपको 2 तरीके के फॉर्म भरने की जरूरत होती है। पहला होता है फॉर्म 19 और दूसरा होता है फॉर्म 10C। फॉर्म 19 भरने से पहले आपको 2-3 बातों का ध्यान यहां पर रखना होता है कि आपने जो नौकरी की है वो 2 महीने से कम की ना हो, यानी कि 2 महीने से ज्यादा की हो, और आप जब फॉर्म भर रहे हैं तब आपको नौकरी छोड़े हुए कम से कम 2 महीने या उससे ज्यादा यहां पर हो चुके हो। इस तरह से आप फॉर्म 19 अप्लाई करके अपने पीएफ के कॉलम में जितना भी पैसा देख रहे हैं ये पूरा फुल पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। अब आता है तीसरे तरीके का पैसा निकालना, यानी कि पेंशन का पैसा निकालना। पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपकी नौकरी कम से कम 6 महीने की यहाँ पर होना जरूरी है और अधिक से अधिक 10 साल की यहाँ पर होना जरूरी है। यदि 6 महीने से कम की आपकी नौकरी है तो ये पेंशन का पैसा आप नहीं निकाल पाते हैं, और यदि 10 साल से ज़्यादा की आपकी नौकरी है तब भी आप इस पेंशन का पैसा यहाँ पर नहीं निकाल पाते हैं, क्योंकि यदि 10 साल से ज़्यादा की आपने नौकरी की है, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन किया है, तो आपको पेंशन के तौर पर ये पैसा यहाँ पर मिलता है जब आप यहाँ पर रिटायरमेंट होते हैं, यानी कि आपकी उम्र 58 साल की यहाँ पर होती है। अब किस कंडीशंस में ये पैसा निकलता है, तो आपकी नौकरी 6 महीने से ज़्यादा और 10 साल से कम की है, तब आप यहाँ पर फॉर्म 10C ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इस पूरे कॉलम का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। अब ऐसे पीएफ खाताधारक जिन्होंने यहाँ पर नौकरी छोड़ दी है और वो अपने पीएफ और पेंशन का पूरा पैसा यहाँ पर निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए वो यहाँ पर नौकरी छोड़ने से 2 महीने के बाद फॉर्म 19 और 10C दोनों यहाँ पर अप्लाई करके अपने पीएफ का और पेंशन का पूरा पैसा यहाँ पर जो है अपने बैंक अकाउंट में निकाल सकते हैं। पीएफ का पैसा किस तरह से निकालना है, पीएफ का पूरा पैसा किस तरह से निकालना है,
फॉर्म 19 फॉर्म 10 सी किस तरह से ऑनलाइन भरना है इसकी जानकारी हमने आपको पिछले इन दो वीडियो में यहाँ पर बता रखी है, जिसमें एक में आपको कंप्यूटर से किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना है वो बताया है और एक में आप अपने मोबाइल से किस तरह से पीएफ निकाल सकते हैं वो जानकारी दे रखी है। आई होप आज के इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपको ये समझ में आ गया होगा कि पीएफ का पैसा आप कब निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉई खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉई खबर चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।